कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी जो टाइम हो रहा है वो 3 बज रहा है, 3 PM। और अभी हम जा रहे हैं इस्कॉन न्यू टाउन में, जो नया ओपन हुआ है, तो वही जा रहे हैं। और हम लोग अभी कैब से जा रहे हैं। आपको रूट अगर बताना चाहेंगे तो ये एकदम शाहपुर जी क्रॉस करके न्यू टाउन जो कॉम्प्लेक्स है उसके पीछे बनाया गया है। आप इजीली शाहपुर जी बस स्टैंड अगर आ जाएंगे तो वहाँ से आपको ऑटो टोटो मिल जाएगा। टोटो ज़्यादा अवेलेबल है, तो टोटो आपको मिल जाएगा ओनली 10 रुपीज़ में, आपको इस्कॉन मंदिर पहुँचा देगा। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए। छोटा सा अभी बना है, अभी कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर काम चल रहा है, तो अभी हम लोग पहुँच गए। आपको भी दिखाते ये इस्कॉन टेम्पल कैसा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 3:40 के आसपास हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और अभी मंदिर जो है बंद था, क्योंकि इसका टाइमिंग जो है 7:30 to 1 PM है और फिर 4 PM to 8 PM तक है। तो अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम था तो हम लोग थोड़ा सा बाहर गए। चारों तरफ घूम के थोड़ा देख रहे थे कि यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है, जैसे छोटा बड़ा बहुत सारा स्टॉल है। बहुत सारा स्टॉल अभी बन रहा है यहाँ पर, जैसे महाप्रसाद मिल रहा है, 200 के आसपास प्राइस था, काजू भी था यहाँ पर, टी शर्ट वगैरह, भगवत गीता, सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। तो सारा कंस्ट्रक्शन के अंडर ही है और यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है। अगर घर पे कीर्तन करवाना चाहते हैं तो इन लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं, इन लोग जाके घर पे कीर्तन करवाते हैं। और यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं होता है, बस इन लोग का आने जाने का जो भी सुविधा है ये आपको थोड़ा सा दे देना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा पीछे गए और फिर देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारा सरसों का खेत था, तो हम लोग सोचे इसी मौके में न्यू टाउन बिल्डिंग है। और अभी हम लोग जाएंगे मंदिर के, अभी हम लोग इस्कॉन मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पर भगवान के दर्शन करेंगे और उनका प्रसाद ग्रहण करेंगे। चलिए फिर। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायण जानकी वल्लभम, राम नारायण जानकी वल्लभम। यहाँ पर जो भी माला अभी रेडी हो रहा है ये कल के लिए हो रहा है, मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए हो रहा है। और अभी हम सब लोग मिलके तिलक लगाएंगे, जो काफ़ी एक अच्छा स्मेल आता था, मतलब चंदन का इतना अच्छा खुशबू था, मुझे बहुत मतलब एक तो माथा मेरा ठंडा हो गया। बोलते हैं ना कि चंदन लगाने से माथा पूरा ठंडा हो जाता है, बस वैसे ही फील आया।
शाम को जब मंदिर ओपन हुआ तो मैंने देखा कि बाहर बहुत थाली में आपको, मतलब आप अगर कुछ लेके भी नहीं आते तो थाली दिया यहाँ पर आपको मिल जाता है फल वल के साथ। आप आके यहाँ पर आरती कर सकते हैं और नाम देके पूजा भी दे सकते हैं। तो सारे लोग ऐसे यहाँ पर आके आरती कर रहे थे, अपने अपने दिया दिखा रहे थे और थाली में उसके साथ साथ पूजा भी हो रहा था। अप्रॉक्स है 6 बजे यहाँ पर हम लोग सबको फिर वो जप माला जो है ना सबको दिया गया है और ये ओनली 30 रुपीज मिल रहा था वहाँ पर और सबको बोला गया जप करने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न शशांको न पावकः यद् गतवान् निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अभी हमारे भगवान जी को भोग चढ़ाया गया है इसीलिए पर्दा दे दिया और कुछ देर के बाद फिर आरती भी शुरू होगा। और हमें यहाँ पर खिचड़ी भोग भी मिल गया जो काफ़ी टेस्टी था और आज का दिन सच में बहुत अच्छा स्पेंड। वीडियो पे कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। हरि बोल।